नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एट एट। तो आज एक अहम खबर है, नारी शक्ति वंदन बिल आज लोकसभा में पास हो गया। इससे 33% सीटें महिलाओं के लिए लोकसभा और सभी राज्यों की विधानसभाओं के लिए आरक्षित हो जाएंगी। एक ऐतिहासिक मौका है कि 27 सालों के लंबे इंतजार के बाद महिलाओं का राजनीतिक प्रतिनिधित्व इससे मजबूत हो जाएगा। आज करीब 8 घंटों में 60 वक्ताओं के संबोधन के बाद इस बिल पर मुहर लग गई। हालांकि इसके जमीन पर लागू होने में कुछ साल लगेंगे, क्योंकि पहले सेंसस होगा, फिर डीलिमिटेशन की प्रक्रिया होगी और विपक्ष की मांग ओबीसी को शामिल करने की भी रही। माननीय सदस्य, शुद्धि के अध्ययन मत विभाजन का परिणाम इस प्रकार है। हाँ 454, 454, 454, ना 2। प्रस्ताव की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा सभा के उपस्थित और मतदान देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा पारित हुआ। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी अखिलेश शर्मा मौजूद हैं। अखिलेश, तो एक ऐतिहासिक लम्हा है, आज पहला कदम ले लिया गया है और हम वो हकीकत होते हुए देखेंगे जब 33% सीटें लोकसभा और सभी राज्यसभाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित हो जाएंगी। बिल्कुल निधि, और जैसा आपने कहा कि 26 साल से ये संघर्ष चल रहा था महिलाओं का कि उन्हें अपनी आवाज़ उठाने का मौका मिले, जो उनका हक है वो उन्हें मिलना चाहिए, और आखिरकार ऐसा ही हुआ है। ये पहला बड़ा कदम है जब आज लोकसभा ने 454, जो कि बहुत बड़ा आंकड़ा है, इसके साथ इस संविधान संशोधन को मंजूरी दे दी है। अब कल राज्यसभा में यही बिल रखा जाएगा और राज्यसभा में भी इसी तरह से बड़ा व्यापक समर्थन मिलने की संभावना है, जिसके बाद माननीय राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ये कानून बन जाएगा। जैसा लेकिन आपने कहा है निधि, एक लंबा रास्ता अभी तय करना बाकी है, क्योंकि कुछ संवैधानिक औपचारिकताएं हैं, कुछ कानूनी बाध्यताएं हैं जिन्हें पूरा करना जरूरी है, क्योंकि जनगणना अभी नहीं हो पाई है। जनगणना 2024 के चुनाव के बाद होगी, उसके बाद परिसीमन आयोग का गठन होगा। परिसीमन आयोग ये तय करेगा कि देश की जो 543 सीटें हैं उनकी संख्या कितनी बढ़ानी है और इसके साथ साथ किस सीट को महिला के लिए आरक्षित करना है, लोकसभा की भी और विधानसभा की। जब परिसीमन आयोग की रिपोर्ट आएगी उसके बाद ये जो आरक्षण है इसको अमली जामा पहनाया जा सकेगा। हालांकि सरकार की ओर से उम्मीद जताई गई है कि 2029 के लोकसभा चुनाव में संभव है कि महिला आरक्षण को लागू कर दिया जाए, तो ये एक बड़ी चुनौती होगी कि इसको किस तरह से लागू किया जाए। क्योंकि दूसरी बात ये भी है कि जो दक्षिण भारतीय राज्य हैं वो ये चाहते हैं कि उनका अधिकार ना मारा जाए। इस पर सरकार ने आश्वस्त किया है अपनी ओर से कि दक्षिण भारतीय राज्यों के साथ पूरा न्याय किया जाएगा, क्योंकि उन्होंने जनसंख्या नियंत्रण में सफलताएँ हासिल की हैं, तो इसका दंड उन्हें नहीं मिलेगा, बल्कि जो आज स्थिति है, जो आज अनुपात है, उसी अनुपात में उनको भी नुमाइंदगी दी जाएगी। बिल्कुल अखिलेश, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। और वाकई में एक बहुत ही भावुक पल भी है महिलाओं के लिए और उन नेतागण के लिए जिन्होंने इतने साल तक इस बिल के लिए मेहनत की थी। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, आपको बता दें कि लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पर चर्चा के दौरान गृहमंत्री अमित शाह ने विपक्षी दलों पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कुछ दलों के लिए महिला सशक्तिकरण एक राजनीतिक एजेंडा हो सकता है, चुनाव जीतने का हथियार हो सकता है, लेकिन बीजेपी के लिए राजनीतिक मुद्दा नहीं, मान्यता का सवाल है। अमित शाह ने समाज में महिलाओं की भागीदारी और सम्मान बढ़ाने के लिए कहा कि हम बिल लेकर आए हैं, महिला आरक्षण बिल लाने का ये 5वां प्रयास है। उन्होंने सवाल उठाया कि देवगौड़ा के तब के प्रधानमंत्री रहे से लेकर डॉक्टर मनमोहन सिंह ने भी इसके लिए प्रयास किए, लेकिन पास क्यों नहीं हुए। महिला आरक्षण बिल में ओबीसी कोटे को लेकर सवाल उठा रहे विपक्षी नेताओं को भी उन्होंने जवाब दिया। गृहमंत्री ने कहा है कि हमने देश को ओबीसी प्रधानमंत्री दिया है, आपकी पार्टी ने कभी ओबीसी को प्रधानमंत्री नहीं बनाया। कुछ लोगों ने आज सोशल मीडिया में भूमिका बनाना शुरू की है, हालांकि बहुत मुझे अच्छा लगा, सबको मैंने सुना है, सबने समर्थन करने का अपने भाषणों के अंदर वादा किया है, परंतु सोशल मीडिया में कुछ लोग भूमिका बना रहे हैं कि भाई इस विधेयक को अब इसलिए समर्थन न करो कि इसमें
डिलिमिटेशन कमीशन का है और अभी के चुनाव में नहीं होगा। कुछ लोग कह रहे हैं इसमें ओबीसी आरक्षण नहीं है, मुस्लिम आरक्षण नहीं, इसलिए समर्थन न करो। मैं अलग कहता हूं, अब समर्थन नहीं करोगे तो क्या जल्दी आरक्षण आ जाएगा? तो भी 29 के बाद आएगा। समर्थन कर दो, गारंटी हो गई, फिर जो सरकार आएगी उसमें जो बदलाव करेगी वो भी होगा। एक बार श्री गणेश तो करो, गणेश चतुर्थी के दिन ये संविधान संशोधन विधेयक आया, एक बार शुरुआत करनी चाहिए। माननीय मुझसे 10 साल का हिसाब मांग रहे हैं, अपने 60 साल का हिसाब नहीं देते हैं। अब कौन समझाए, देश की जनता देख रही है। माननीय ये विधेयक चार बार पारित नहीं हो पाए। हर बार इस देश की मातृशक्ति को हमारे सदन ने निराश किया है। मैं आज पक्ष विपक्ष के सभी दलों से प्रार्थना करना चाहता हूं कि हम सब एकत्रित होकर ये नई शुरुआत को आज सर्वानुमत से संविधान को संशोधित कर मातृशक्ति को आरक्षण देने का। तो मैं बता देता हूं, सुनने के लिए आप बैठे नहीं हो, भारतीय जनता पार्टी के सांसद में 29% 85 सांसद ओबीसी कैटेगरी के हैं। कंपैरिजन करना है तो आ जाइए। और मंत्री भी 29 ओबीसी कैटेगरी के। बीजेपी के ओबीसी एमएलसी 163 में से 65 है 40% है, ये 33% की बात करते हैं। माननीय चुनावी भाषण करना बहुत ठीक है, कोई एनजीओ बना कर दे देता है, चीट यहां आकर पड़ जाना ठीक है भैया। मन से पिछड़ा वर्ग का कल्याण करने का काम हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने किया। और लोकसभा में चर्चा के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने महिला आरक्षण बिल का समर्थन किया, हालांकि उन्होंने कहा कि अधूरा है, इसमें ओबीसी आरक्षण होना चाहिए था। राहुल गांधी ने कहा कि उन्होंने रिसर्च की है, सरकार चलाने वाले जो 90 सेक्रेटरी हैं उनमें से 3 ही सिर्फ ओबीसी हैं और इसे जल्द से जल्द बदलिए, ये ओबीसी समाज का पान है। ये जो लिस्ट है ये ओबीसी समाज का अपमान है। 90 लोग हिंदुस्तान के सेक्रेटरी हैं, उनमें से 3 लोग ओबीसी समाज के हैं, 5% बजट को कंट्रोल करते हैं। तो जल्दी से जल्दी आप कास्ट सेंसस कीजिए। जल्दी से जल्दी जो हमने कास्ट सेंसस किया था उसका डेटा आप रिलीज कीजिए, और अगर आप नहीं करेंगे तो हम कर डालेंगे। थैंक यू। मेरा सरकार को एक सुझाव है, सबसे पहले ये जो महिला का बिल है इसको आप पास कीजिए, आज पास कीजिए, ये जो आपके लागू कीजिए, और ये जो डिलिमिटेशन है जो आपने बोला है, और ये जो सेंसस है इसकी कोई जरूरत नहीं है, 33% आप महिलाओं को सीधा दे दीजिए। और आइए सुनते हैं कि आज जब 8 घंटे से ज्यादा चर्चा हुई, सोनिया गांधी, सुप्रिया सुले, कणिमोई और स्मृति ईरानी ने क्या क्या कहा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की मांग है कि यह बिल फौरन अमल में लाया जाए, लेकिन इसके साथ ही कास्ट सेंसस कराकर शेड्यूल ट्राइब ओबीसी की महिलाओं के आरक्षण की व्यवस्था की दी जाए। सरकार को इसे साकार करने के लिए भी जो कदम उठाने की जरूरत है वह उठाने ही चाहिए। निशिकांत जी, फॉर वन मोर, ही सेड दैट वी आर ऑन अ साइड, इंडिया इज ऑन अ साइड ऑफ पीपल who ran women down and support derogatory. I would like to ask the BJP, and this is my own case, this is not somebody else's case I'm fighting for. The BJP had a head who was the head of the BJP in Maharashtra. He told me personally on record on television that Supriya Sule, ghar jao, khana banao, desh koi aur chala lega, hum log chalange. This is what the BJP's
mindset is. Stop saluting us. We do not want to be saluted. We do not want to be put on pedestals. We do not want to be worshipped. We do not want to be called mothers. We don't want to be her sisters, your wives. We want to be respected as equals. Let us get down from the pedestal. वो ये भूल गए कि सत्ता उनके पास थी, चमन उन्होंने लूटा, वरना आज जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने कहा, कब का ये गुलिस्तां हो चुका होता। तो नए संसद भवन में जारी विशेष सत्र के बीच नया विवाद खड़ा हो गया है। सांसदों को बांटी गई संविधान की कॉपी को लेकर ये विवाद है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि उसमें छपी प्रस्तावना से सेक्युलर और सोशलिस्ट शब्द हटा दिए गए। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि ये चिंता की बात है। इसके जवाब में सरकार ने कहा कि संविधान की कॉपी में मूल संविधान की प्रस्तावना शामिल की गई है, जिसमें ये शब्द नहीं थे। संविधान की प्रस्तावना में ये दोनों शब्द 1976 में हुए 42वें संशोधन के जरिए शामिल किए गए थे। मैंने कल ये मुद्दा उठाई, आप सब जानते हैं कल मैंने ये पहले ये मुद्दा उठाई, क्योंकि कल सदन के अंदर ये संविधान मुझे पढ़ने पड़ी। वहां मैं जब पढ़ने लगे तो मुझे ये दो शब्द नहीं मिले, मैं अपनी तरफ से ये दो शब्द जोड़ दिए थे। अब देखिए हमारे भाषण में जो शब्द जोड़ दिए थे, कौन से दो शब्द नहीं मिले? ये सेकुलर और सोशलिस्ट, ये दो शब्द नहीं थे। 1976 में अमेंडमेंट हुई थी, तो आज अमेंडमेंटेड क्यों नहीं संविधान में मिलेगा? इसमें मुझे लगता है एक सोची समझी तरीके से हमारा संविधान को बदलने की जो कवायद हमें बाहर सुनने को मिलते हैं, वो इसको दर्शाता है कि हाँ कुछ छेड़छाड़ करने की आयास तो है। देखिए हमारे प्रवक्ता ने इसका जवाब दे दिया है जी, वो जिस समय संविधान बना था वो उस समय ऐसा ही था ना, तो उसके बाद 42nd अमेंडमेंट हुआ तो ओरिजिनल कॉपी होगी ना, ये हमारे प्रवक्ता ने जवाब दिया है ना इसके बारे में। खालिस्तान को लेकर कनाडा के साथ बड़े तनाव के बीच केंद्र सरकार ने एडवाइजरी जारी की है। एडवाइजरी के जरिए कनाडा में रह रहे भारतीयों को सावधान किया गया है। एडवाइजरी के मुताबिक कनाडा में हालात बिगड़े, ज्यादा सतर्क रहें भारतीय छात्र, उन इलाकों में जाने से बचें जहां भारत विरोधी गतिविधियां हुई। इससे पहले कल कनाडा ने भारत में रह रहे नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की थी। कनाडा की एडवाइजरी में आतंकी हमले का अंदेशा जताया गया। खालिस्तानी आतंकी की हत्या को लेकर कनाडा और भारत के बीच तनाव चरम पर है। कनाडा ने आतंकी की हत्या में भारतीय खुफिया एजेंसी के शामिल होने का आरोप लगाया और भारत ने एक शीर्ष राजनयिक को निष्कासित कर दिया। भारत ने भी आरोपों को सिरे से खारिज कर कनाडा की कार्रवाई का जवाब दिया है। भारत ने कनाडा के एक वरिष्ठ राजनयिक को देश छोड़ने के आदेश दिए हैं। गैंगस्टर टेरर नेटवर्क के खिलाफ एनआईए ने बड़ी कार्रवाई की है। एनआईए ने 43 गैंगस्टर्स की फोटो जारी कर उनकी बेनामी संपत्ति या दोस्तों और रिश्तेदारों के नाम पर खरीदी गई संपत्ति की जानकारी मांगी है। एनआईए की लिस्ट में जो गैंगस्टर्स हैं उनमें से कई जेल में ही अपना गैंग ऑपरेट वहां से कर रहे हैं। एनआईए ने एक व्हाट्सएप नंबर भी जारी किया है। जानकारी देने वाले को इनाम देने की घोषणा की गई है। एनआईए की इस लिस्ट में लॉरेंस बिश्नोई, अनमोल बिश्नोई, सचिन बिश्नोई, गोल्डी बरार, काला जठेड़ी समेत कई गैंगस्टर्स के नाम हैं। उत्तर प्रदेश के नोएडा में फल सब्जी मंडी के व्यापारी को 3,000 रुपए ना चुका पाने पर बुरी तरह पीटा गया, फिर बिना कपड़ों के मंडी में घुमाया गया। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने मामले में संज्ञान लेते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एनडीटीवी से पीड़ित व्यापारी ने कहा है कि मैंने 5,600 रुपए उधार लिए थे, 2,500 वापस भी किए थे और कहा कि बाकी मजदूरी करके चुका दूंगा, लेकिन उन्होंने एक ना सुनी। मैं बहुत रोया लेकिन कोई बचाने नहीं आया।
अब ना मैं कभी मंडी जा सकूंगा ना ही अपने गांव। दिल्ली विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव में पहले हिंसा की घटना सामने आई है। चुनाव प्रचार के दौरान दो छात्र संगठनों के लोग आपस में भिड़ गए। इस दौरान एक शख्स घायल हुआ और कई गाड़ियों में भी तोड़फोड़ हुई है। हिंसा की घटनाओं के चलते पुलिस ने कैंपस में चेकिंग बढ़ा दी है। पुलिस की चेकिंग में 100 से ज्यादा बाहरी लोग कैंपस में घूमते मिले। पुलिस उनकी जांच में जुटी है। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव 22 सितंबर को होने हैं। रांची में एसटी दर्जे की मांग को लेकर कुर्मी समाज के लोगों ने रेल रोको आंदोलन शुरू किया। झारखंड के कई इलाकों में कुर्मी समाज के प्रदर्शनकारियों ने ट्रेन रोककर विरोध दर्ज किया। विरोध प्रदर्शन के चलते झारखंड, बंगाल, उड़ीसा में 175 से ज्यादा ट्रेनें प्रभावित हुई हैं। रांची स्टेशन से चलने वाली 4 ट्रेनों को रद्द करना पड़ा। कई ट्रेनों के रूट बदले गए हैं।